गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट, थर्ड फ्यूचर। टेंस को हिंदी में समय कहा जाता है। समय को तीन भागों में विभाजित किया गया है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल और फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल। इन सभी टेंस के चार चार भाग होते हैं। पहला भाग होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाक्य को बनाने के लिए हमें टेंस की आवश्यकता पड़ती है और सभी के लिए अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस अगर आपके ठीक से समझ में आ जाता है तो आपको बहुत ही आगे के लिए इसमें अच्छी मदद मिल जाती है। इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में हमें एस या ईएस का प्रयोग मेन वर्ब के साथ में करना होता है। मेन वर्ब के साथ हम इसमें एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हम मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर टेंस में मेन वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में उदाहरण जो बनते हैं, राम बाजार जाता है, तो इसमें राम एक नाम है, इंग्लिश में लिखेंगे राम बाजार जाता है। जाता है जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, गो के साथ में ईएस लगाएंगे, राम गोज बाजार जाता है, इसलिए वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो बीच में टू आएगा और उस जगह का नाम आएगा जहाँ पर वो जा रहा है। ये आपका वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। पास्ट का बनाते हैं तो राम बाजार जाता था, अंतर इतना सा आएगा। मैंने आपको बताया यहां पर वर्ब सेकंड का प्रयोग होगा तो इसका जो वाक्य बनेगा राम वेंट टू
मार्केट, ये आपका वाक्य पास्ट इनडेफिनेट टेंस का हो गया। लास्ट जो हमारा टेंस बचता है वो है फ्यूचर। फ्यूचर इनडेफिनेट में वाक्य बनते हैं राम बाजार जाएगा, राम, यहाँ पर विल और सेल का प्रयोग जो है कॉमन होता है। हम विल भी यूज कर सकते हैं, सेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि विल का प्रयोग एक ट्रेंडिंग में होता है, तो इसलिए हम इसको कॉमन यूज करेंगे। राम विल गो टू मार्केट, इस तरीके से इसके सेंटेंस बनते हैं। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनेट का हो गया। ध्यान रहे, किसी भी प्रकार को वाक्य को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, जो स्ट्रक्चर कॉमन होता है, सभी में कॉमन चलता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस एच वी, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखें, आपका कोई भी वाक्य जो है कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। अब मैं आपको 5 वाक्य दे रहा हूं जिनको आपको पास्ट इंडेफिनेट में और फ्यूचर इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना होगा। नंबर 1, नंबर 1 वाक्य जो है आपके होमवर्क के लिए है, सीता नृत्य करती है। 2nd, गाय पानी पीती है। 2, आम खाते हैं। 4, तुम किताब पढ़ते हो। 5, मैं संगीत सुनता हूँ। 5 को पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद में आपको मुझे वो सेंटेंस व्हाट्सएप के द्वारा आज शाम 5 बजे तक ज़रूर भेजने होंगे। तो आज की हमारी
जो क्लास है यहीं पर ख़त्म होती है। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।